इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, एमपीएस 2 का कोई डाउट बच गया है तो जल्दी से लेट मी नो, अदरवाइज फिर डन मेरे हिसाब से। ओके देन नो डाउट, ठीक है। ओके 10th, दैट्स इट, ओनली 10th विल डिस्कस इन एमपीएस 2। बाकी आई होप तुमने सॉल्यूशन देख के क्लियर कर लिए, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। चलो 10th क्वेश्चन देख लो, जैसे 10th भी सॉल्यूशन में दे रखा था यार, मैंने उसके थ्रू समझना चाहिए था, थोड़ा सा मेहनत मजदूरी वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा x x चाहिए तो 1 plus x into 1 plus x square का whole square and so on till 1 plus x की पावर 6 का पावर 6। इसके बाद जो भी टर्म्स है सब यूजलेस है, उन सब की जगह 1 इमेजिन कर लो तो भी ओके है, दिमाग लगा के बताओ एवरीवन। यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बाइनोमियल एक्सपांशन इसका देखूं बच्चों, इट विल बी 7c0 into 1, देखो ध्यान से, प्लस 7c1 into x की पावर 7। अब x की पावर 7 तो कभी x की पावर 6 बना ही नहीं सकता, यस और नो? यस सर। तो कहने yes, से इफेक्टिवली यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म ही है, यस सर, दिस इज यूजलेस एंड दिस इज यूजफुल, सो आई कैन से इफेक्टिवली इसके आगे सिर्फ 1 यूजफुल है। Come on, all of you with me? Yes, sir. So 1 plus x into 1 plus x square plus 2x into 1 plus x cube ka whole cube mein kitne term matter karenge? 2, 3, 3 matter karenge? 1 plus 3c1 into x cube plus 3c2 into x ki power 6. I hope you are okay. Into x4 mein 1 plus 4c1 x4 sir yehi matter karega? 1 plus 5c1 x5, 1 plus 6c1 x6, batao, baki sab 1, is this line okay? Yes. Jaldi bolo yaar, is this line okay? Nahi samjha. Are kya nahi samjha, gadhe bas expand kar rahe ho, kya samjhaun, 1 plus x cube ka whole cube kya hota hai, binomial expansion, 1 plus 3c1 x cube, 1 plus 3c2 x6, नेक्स्ट टर्म 3c3x की पावर 9 लिखना चाहिए, बट वो तो यूजलेस है ना, इसलिए लिखना नहीं। समझा सर। पक्का समझा? यू नहीं प्रेशर में हां कर रहे हो? खास समझा सर, अब वो इग्नोर कर रहे हम लोग यूजलेस टर्म्स को। ठीक है, मैं दूसरे के लिए भी बोल रहा हूं यश। आई होप ऑल ऑफ यू नाउ नो माय नेचर, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, बट तुम्हें नहीं पता है तो पूछ लो, इज दैट ओके ना बच्चा? यस यस सर। ओके, अब ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आई कैन एम्प्लॉय टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन, आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली डू द हाइपोथेसिस टास्क, बनाने में मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको इसको मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, है ना, 2x प्लस एक्स को 3x कर देना नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे भी 2-3 टर्म मल्टीप्लाई करना चालू करो यार, और क्या, और ये क्या, मैं तो पीछे से मल्टीप्लाई करना चालू करता हूँ क्योंकि पीछे में बहुत बड़े बड़े टर्म बनेंगे सब यूजलेस होने वाले, क्या दिमाग लग रहा है मेरे साथ ऐसा? सर देखो यहाँ पे 1 प्लस 6x6 प्लस 5x5 की पावर 11 बनेगा यूजलेस। यस तो x की पावर 6 इन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ, प्लस 3x, देखो ये रहा 3x, फिर ये x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब इनटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इसको रहने दो अकेले बेचारे को, 1 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x6 को रहने दो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 1 प्लस 6x6 प्लस 5x5 के साथ ये वाला, और बाकी सब यूजलेस, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. तो आप थोड़ा सा उखाड़ लोगे मल्टीप्लाई करके, आप मेरे से मेहनत मजदूरी मत कराओ, कर लोगे ना आगे? Yes, बस अब क्या, अब और इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि x की पावर 6 ही पकड़ना है, तो बस उसकी तरह से पकड़ लेना पटाफट। दैट वाज एमपीएस 2 डाउट।
एमपीएस 3 में कोई डाउट? एमपीएस 3 में कोई डाउट बचा है? सॉल्यूशन नहीं देखा तो फिर पूछना भी मत। थ्री फाइव सेवन एट, ओके चल दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन, क्यों पार्थ क्या प्रॉब्लम है बच्चे? समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? वैल्यू निकालने को बोल रहा, क्या बोलू मैं तेरे को? अल्फा इज एम सी टू, कोई भी एन सी वन कितना होता है बता वैल्यू। सर n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल है ना, नोट्स है ना, बेच खा क्योंकि नोट्स तो पढ़ना नहीं है तेरे को। बाकी बच्चो n c 1 कितना होता है? n c n माइनस। अरे गधे, इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू बोल रहा हूं, n होता है, यस और नो? यस। n c 0 कितना होता है गधों? 1 1 1। n c 2 को भी याद कर लो, n into n माइनस 1 बाय 2 होता है, बताओ बताना है कैसा है? लिख रखी है m into m minus 1 by 2, ये तो सिर्फ अल्फा रखा है अभी तक, फिर अल्फा minus 1 by 2, हाँ इसके आगे हो जाएगा, ओके, तो नीचे हो गया 8, और यहाँ पे LCM लोग मतलब LCM लेने के बाद m square minus m minus 2, m minus 2 into m plus 1 हो जाएगा, तो आप ये देख लेगा तो ये आंसर आ जाएगा। 3 क्यों आएगा? क्योंकि नीचे 4 factorial में 24 आता है, तो 3 से multiply करना पड़ेगा, ओके? जूते खाने वाला यार ये पार्स लड़का, पता नहीं कहाँ कहाँ से फालतू क्वेश्चंस पूछता है, मतलब है ना, जो हम इतने टफ क्वेश्चन सेम टाइप का मैं क्लास में करा चुका हूँ, क्यों बताऊँ ये बता? व्हाई शुड आई टेल? वो सब हो गया था कि will be ncr minus 1 ncr ncr plus 1, but fir aage iska coefficient kya hoga bolna? Sir, n 14 cr minus 1, correct? 14 cr and then 14 cr and 14 cr plus 1, tu bata, same question maine nahi kara hai ki maine divide karke bola tha ki consecutive banao, ha sorry but yaad aaya maine bola tha same ki 14 cr se fir नोट्स तू सच्ची बता रहे हो, ऑनेस्टली बताना, नोट टेन से रिवाइज नहीं करे तूने, या तो ब्रश अप करें पेज पलट के बता, करे नहीं करे तो बस फिर अगली बार अब से मैं तेरा डब नहीं बनवा लूंगा, ये है अगली बार और क्या। क्या है? n is greater than 3, 1 plus x square, तो 1 plus 2x square plus x 4 into 1 plus x की पावर को मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। अब वो बोल रहा है a1 a2 a3 निकालो और फिर ap में डालो, 2a2 is equals to a1 3, तो आप मुझे बताओ a2 मतलब किसका कोफिशिएंट? अच्छा 7, किसी को डाउट है क्या? क्योंकि अमन बोल रहा है उसका हो गया। नहीं सर। और को डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो इसमें जो n+4 है वो मैटर नहीं करता ना?
फिर समेशन के ऊपर का जो n प्लस फोर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो n होगा तो पड़ेगा। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ सही है, n प्लस फोर सही है। देख टोटल x की पावर क्या बनेंगे, हाईएस्ट n प्लस फोर। एट में मैंने सॉल्यूशन लिख तो रखा है भाई, और क्या प्रॉब्लम है, हैं? इसको डाउट है क्या प्रतिष्ठा, क्या डाउट है? एट का सॉल्यूशन मिल गया वापस बोलो क्या बोल रहे हो। एट का सॉल्यूशन नहीं है ये, किसमें प्रॉब्लम क्या है यार, मतलब सॉल्यूशन में भी कर रखा होगा और फिर भी हो गया। हाँ मैं जिसका डाउट पूछा उससे पूछा, तुझसे नहीं बच्चे। अच्छा तूने भी पूछा था प्रतिष्ठा, क्या प्रॉब्लम है बच्ची? ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है याद कर, कैंसिल हो जाता कौन किसको याद है टिप। मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए कोई एडवाइस की थी, गधों बताओ कॉन्स्टेंट्स को साथ में रखना तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी। वैल्यू डालो वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। चलो एमपीएस 3 भी डन, एमपीएस 4 भी दिए तुम्हें करने को, ये तो थी दी होगी। एमपीएस 4 की कोई डाउट है तो बताओ, करके आए हो ना या नहीं आए हो? नहीं आए हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में करें, जल्दी बोलो। मैं नेक्स्ट क्लास फोर नहीं गया सर। ठीक है एमपीएस 4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बुकलेट करी थोड़ी? नहीं सर। नो सर, थोड़ी सी करी। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो, रद्दी में भेज दो यार, हैं कुछ रुपए आएंगे। लाइक आई नो थोड़ी लगातार क्लास हो रही है तो तुम्हें ठीक है, लेकिन वो तो होती है, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, अभी मैं तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, थोड़ी एमटी की प्लानिंग बताऊंगा, तो देन वी विल डिस्कस। चलो अब थ्योरी वाइज आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर? डिवर्सिफाई करेंगे, यस यस, पूरे बुकलेट के डाउट डिस्कस करेंगे, तब एक साथ देखेंगे लड़की डिवर्सिफाई। ओके तो लास्ट क्लास में क्या कराया था मैंने, न्यूटन्स लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा पहले मल्टीनोमियल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लूं मैं। ओके लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से सारे क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए नॉट प्लस ए वन ए प्लस ए टू सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स एक्स को वन रखने से आ जाता है, कोई डाउट फर्स्ट पार्ट? नो सर। ए नॉट माइनस ए वन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि x को माइनस वन रखना है, सो वन माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर रेज टू पावर 10, तो आंसर 1 आ गया। सेकंड पार्ट कोई डाउट? थर्ड पार्ट ए नॉट प्लस ए टू, मैंने पहले से टिप दी हुई है कि ऑल्टरनेट सीरीज हो तो वो ऐसा सोचो कि किसी दो सीरीज के सम या सब्ट्रैक्शन से आ रहा होगा, पहली वही थॉट्स होनी चाहिए। पहला क्या तुम्हारे लिए अभी वही थॉट होना चाहिए, बाद में बताऊंगा कभी कभी दूसरा थॉट भी आना चाहिए, बट यस ऑल्टरनेट सीरीज में यही सोचो कि किसी दो सीरीज के एडिशन से तो नहीं आ रहा, तो इतना तो दिमाग भी लगना चाहिए अब कि अच्छा एक सीरीज मुझे ये लेनी चाहिए और दूसरी सीरीज मुझे ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली लेनी चाहिए। आर यू विद मी? यस सर। तो इस वाली सीरीज का आंसर फर्स्ट पार्ट से 3 की पार्ट 10 है, इस पार्ट का आंसर सेकेंड पार्ट से 1 है, तो दोनों को ऐड कर दूं, करेक्ट? यस सर। देख लो दोनों को ऐड कर दूंगा तो यस व्हाट आई वांट उसका डबल आ जाएगा, जल्दी से ओके करो। यस सर। यस तो देयरफॉर आंसर आ गया सी पार्ट, कोई डाउट सी पार्ट? नो सर। नो तो डी पार्ट दिख रहा है इन दोनों सीरीज को सबट्रैक्ट कर देना चाहिए, कम ऑन सी फॉर योरसेल्फ। यस सर। देखो आप खुद सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए नॉट उठ जाएगा ए टू उठ जाएगा बट ये डबल हो जाएगा, कम ऑन। यस सर। सो ट्वाइस ऑफ ए वन प्लस ए थ्री प्लस सो ऑन आ जाएगा 3 की पार्ट 10 माइनस 1, सो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
कोई डाउट डी पार्ट तक? तो अभी तो देखो फ्लिपिंग थोड़ा समझा रहा हूँ कि मल्टीनोमियल में कैसे लगती है. एक्चुअली तो मैं इसका थियोरेटिकल प्रूफ कर सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं, हम वैल्यू वाइज देखते हैं, फील करते हैं. 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 10 ए नॉट प्लस ए वन एक्स. लास्ट टर्म क्या होगा जल्दी बोलो. लास्ट टर्म है तो क्या है, मल्टीनोमियल है. अगर a0 मतलब कांस्टेंट बनाना है, मतलब पूरी 10 की पावर यहां पे देनी पड़ेगी. एग्री करो? यस. और a0 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो फटाफट, कम ऑन. 1. पक्का? ओके यहां तक? हां सर. यस सर. अच्छा a20 किसका कोफिशिएंट है भाई, देखो ध्यान से. x की पावर 20 का मतलब तुम्हें x की पावर 20 बनाना yes, है करेक्ट बच्चों? यस सर. तो पावर 10 कहां पे दोगे? x स्क्वायर पे. x स्क्वायर पे और बाकी सब जगह 0 0 0. तो 8 इतना आंसर है सर. और एक नहीं है? और एक नहीं आएगा क्या पावर वाला, लाइक x के नीचे 20? क्या बच्चे और कैसा आएगा, और कैसा आएगा? यहाँ 10 तो मैक्सिमम दे सकता है. 10 का 10 दे दिया तो x की पावर 20 और कैसे बनाएगा x की पावर 20 ना. सो क्या सबको समझ में आ गया? ओनली केस आर यू ओके ना? यस सर. तो सबको क्लियर है कि a0 इज सेम एज a20 करेक्ट है सर? चलो एक और को कंपेयर करते हैं. लेट्स कंपेयर a1 एंड a19. Okay, because that is comparable, that is easy to find out. हम A5 और A15 नहीं निकालेंगे क्योंकि A5 निकालना pathetic task है. कौन निकाल? So A1 निकाल रहे हैं. आप तुम्हारी practice हो गई है तो फटाफट बताओ A1 किसका coefficient नाला है? X का. तो तुम्हें X बनाना है. तो X बनाने के लिए इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 0 देना पड़ेगा. For sure. तो automatic इसको 9 चला गया. Yes. Yes. Is there any other case? No. So therefore A1 का आंसर जल्दी से चिल्लाओ मेरे को लिखने से पहले. Correct. This is A1. ठीक है ना? Yes sir. Okay. Let's find A19. 1 plus x plus x square is to power 10. A19 मतलब x की पावर. Come on. सोचो खुद ही. X की पावर 19. X square को 8 दे दे. Obviously, यहाँ पे 0 आएगा. अब 9 से इसको जैसे ही कम करूंगा 8 बना है और मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको 2 ही दे सकता हूँ तो 18 ही बनेगा. इसका क्या मतलब है? वो हमेशा सेम होगा. देखो 1 यहाँ पे जाता है, एक जगह 9 यहाँ पे जाता है, तो एक जगह 9 यहाँ पे जाता है. जितने केस पहले वाले में बनेंगे उतने ही केस दूसरे वाले में बनेंगे. एंड यस फ्लिपिंग विल बी एप्लीकेबल. कम ऑन ऐसे करो. यस सर. सेम एज A19. सो नोट क्या लिख रहा हूं देना, अब बिल्कुल केयरफुली सुनना, बोला मैं कम सुनना ज्यादा. इन 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर की पावर n टाइप के टर्म्स में फ्लिपिंग इज बिल्कुल ओके. सेकंड, इन 1 प्लस x प्लस कुछ और टर्म आ गया यहाँ पे 3x square की पावर n, फ्लिपिंग इज नॉट ओके. कम ऑन फील करो.
समझ में आना चाहिए. देखें कमान 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 कितने जनों को फील आया पक्का चैट पे लिखो यस अगर आया तो फिर मैं समझाऊंगा अदरवाइज. वेरी गुड. क्यों फ्लिपिंग यहाँ पे ओके बिकॉज ये और इसका कोफिशिएंट सेम है. तुम्हें याद है एक जगह केस यहाँ पे 19 आएगा तो एक जगह केस यहाँ पे 19 आएगा. अगर इसका कोफिशिएंट डिफरेंट आ गया तो फिर आंसर डिफरेंट ही आएगा ना. यस नो बच्चों? यस यस यस. क्या सबको फील आया? यस यस. यहाँ पे फ्लिपिंग इज ओके बिकॉज क्या रीजन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो एंड एक्स स्क्वायर आर सेम. जल्दी से ओके करो. मेरे साथ हो? सर जल्दी से लिखो बस यहीं पे ये नोट ही लिखो बस काफी है तुम्हारे लिए. और क्या एक एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ ऊपर A1 A19 वाला बट पहले यहाँ पे नोट लिख लो. Flipping in multinomials. Heading डाल के लिख लो. Flipping in multinomials. चलिए ऊपर वाला एग्जांपल लिखना हो तो लिख दो. कंपेयरिंग A1 एंड A19 इफ यू विश. सर आप वापस समझाओगे कि सेकंड केस अगर x स्क्वायर का 8 होगा पावर. नहीं 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 कॉपी कर एक बार कॉपी कर फिर बता दूंगा बीच में. हजार बार बताया बट नहीं मानते. समझ गया सर. थैंक यू. और समझ में इसलिए ही बोलता हूं बच्चे कि एक बार जब तक मैं डाउट नहीं पूछूं क्योंकि कभी का खुद से सोचने से हो जाता है और बीच में मैं कभी बताऊंगा नहीं क्योंकि दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब होता है. गुड बच्चे. यस सब ने एग्जांपल लिख लिया. यस सर. ओके यस सर. नाउ एनीथिंग यू वांट टू आस्क सर. बस चुप. एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस पेज? Coefficient of middle term won't matter. No, इसलिए तो B लिखा है ना बच्चे. सर अगर तीन से ज्यादा टर्म्स हुई तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे और वो हमारे कोर्स पे नहीं है. ठीक है okay. वो दिमाग लगाना पड़ेगा बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा. वो ऐसा होगा तभी फ्लिपिंग लगेगी. यो सोच समझ रहा है? Yeah. बट कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांस हैं जो मैंने भी थॉट्स इतने दिए नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक ही है तीन तक. कैन आई स्विच ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन? हो गया यहाँ तक? यस सर. यस 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 सर. देखो तुम हमेशा ऑब्जर्व करो. मैं हमेशा टाइम देता हूँ पूछता हूँ तो डोंट बी इन अ हरी. बीच में मत कूदा करो. आ गए हम ई पार्ट पे. हमें कैसे हिंट मिली ई पार्ट के लिए कि ये हाफ फ्लिपिंग का क्वेश्चन है? पता ना क्योंकि हाफ सीरीज है. वेरी गुड. बिल्कुल सही. और हाफ सीरीज के लिए मैंने क्या टिप दिया था? हाउ डू यू स्टार्ट? पहले तो पूरा लिखते हैं. पहले पूरा लिखते हैं. स्टार्ट विद द फुल सीरीज ऑफ द सेम पैटर्न. याद आया बच्चों? यस सर. यस सर. A9 + A10 + A11 प्लस टू ए. इसका कितना आंसर था पार्ट ए से बताओ? 3 की पावर 20 टू द पावर 10 3 की पावर 10.
ओके तो अब फ्लिपिंग लगाऊंगा, ए जीरो इज सेम एज ए ट्वेंटी, ए वन इज सेम एज ए नाइनटीन, ए नाइन इज सेम एज ए इलेवन, तो ए नाइन तक तो डबल हो जाएगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Twice of a zero plus a one plus up to a nine plus a ten is three की part ten. अब इसको handle कर लो यार. कहाँ यहाँ कर रहा हूँ मैं? Twice of a zero से a nine तक is equals to three की part ten minus a ten. फिर two से divide कर दूँगा. ये two से divide कर दिया. फिर a ten add कर दूँगा. तो a ten add कर दिया. तो final answer three की part ten plus a ten by two is the answer of E part. बिल्कुल ओके? Yes, yes. E part में कोई डाउट? बाद में एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ. No, sir. Okay. E part कॉपी कर लो, F, G, H एक साथ हो जाएगा एक्चुअली इसमें. E part कॉपी करना तो कर लो. चलो एफ पार्ट देख सकते हैं बच्चों, हम वापस एक्सपांशन लिखता हूं क्योंकि सब कुछ उसी में छुपा हुआ है. दिस इज ए जीरो प्लस ए वन एक्स. अच्छा ए वन नहीं चाहिए, ऑल्टरनेट सीरीज तो है बट किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा कि ई वन वाले टर्म में एक जगह प्लस एक जगह माइनस नहीं. ये तो तुमने होमवर्क में फील भी किया होगा इफ यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन. यस सर. तो फिर दूसरा एजेंडा ये लगता है कि अच्छा a2 जिसमें x स्क्वायर है वहां पे ऐसा कुछ x रखना है जो स्क्वायर करने पे नेगेटिव दे, तो ऑब्वियसली फील आ जानी चाहिए आयोटा रखना चाहिए. आ गए बच्चों? तो x को आयोटा रखेंगे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर. तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डेप्थ में वापस देखेंगे, इसके और मैनिपुलेशंस देखेंगे. तो बाइनोमियल में तो जस्ट आइडिया दे रहा हूं अच्छा, ताकि जब तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ाए तब तुम याद दिला दो कि सर ऐसा वाला पार्ट बीटी का हमें अभी करना बाकी है. ओके बाय द वे कोई और पढ़ा रहा हो तो तुम यू कैन रिमाइंड देम आउट, अदरवाइज अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था इसका. तो एक्स को आयोटा रखूंगा, ये रहा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. एंड राइट साइड देखो ए नॉट प्लस ए वन आयोटा प्लस ए टू आयोटा स्क्वायर प्लस ए थ्री आयोटा क्यूब प्लस ए फोर को मैंने ए जीरो के नीचे रखा, बताओ रीजन? रिपीट होता है क्योंकि आयोटा की साइक्लिसिटी चार की होती है, हर चार के बाद पैटर्न रिपीट होता है, याद आया? यस सर. यस सर. ओके लेफ्ट साइड आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, कैंसिल हो गया. आयोटा की पावर टेन इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन आयोटा माइनस ए टू माइनस ए थ्री आयोटा प्लस ए फोर प्लस ए फाइव आयोटा माइनस ए सिक्स माइनस ए सेवन आयोटा एंड सो ऑन. आयोटा की पावर टेन तो सेम एज आयोटा स्क्वायर व्हिच इज माइनस वन. सही लिखा है मैंने? आयोटा स्क्वायर. और यहाँ पे मैं सबके रियल पार्ट को अलग कर दूंगा. देखो क्या कहना, इसे मैंने रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया, एग्री करो? यस सर. और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लिया, ए वन माइनस ए थ्री प्लस ए फाइव माइनस ए सेवन. साउंड्स गुड? अच्छा क्वाड्रेटिक में जिसने भी, क्वाड्रेटिक में जिसने भी आयोटा तुम्हें पढ़ाया, इतना बेसिक तुम्हें बताया होगा कि अगर ऐसा होता है, या तुम्हें भी बताया है. सो व्हाट इज एक्स व्हाट इज वाई? मतलब कहना इसे तुम रियल पार्ट्स को इक्वेट करते हो और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हो. यस सर. सो देयरफॉर आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू माइनस वन है, मैं उसको माइनस वन प्लस जीरो आयोटा लिखूंगा. और तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इससे दोनों पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं. कंपेयरिंग द रियल पार्ट वी गॉट द ई पार्ट ए जीरो माइनस ए टू प्लस ए फोर माइनस ए सिक्स का आंसर इज माइनस वन. एंड कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट
a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 के वैल्यू जीरो है. बताओ क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर. यस सर. पक्का? यस सर. यस सर. कॉपी कर लोगे? कॉपी की टेंशन मत लो. अभी f हो गया, g हो गया मेरा g पार्ट, और h पार्ट का मैंने दिया था a0 प्लस a4 प्लस a8 प्लस a12 समथिंग. अब वापस देखो ये कंजुगेटिव टर्म्स नहीं है, चार का डिफरेंस है. तो मैंने क्या बोला, पहला थॉट तो वही आना चाहिए, कहीं किसी दो सीरीज के एडिशन से तो नहीं आ रहा है. तो मेरा दिमाग चलेगा, अच्छा ये तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ. कम ऑन, एग्री करो? यस, निकाल पाया हमने. और अगर मैं ये निकाल पाया तो दोनों के एडिशन से मेरा काम बन जाएगा. कम ऑन. यस आर यू विद मी? हाँ सर. इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा ना. कम ऑन. यस. तो बताओ क्या पहली वाली सीरीज का आंसर आपको आता है क्या बच्चों? a0 plus a2 plus a4 बिल्कुल आता है. I think part C था. देखो. Yes. Yes sir. मैं भी ऐसे ही बोलूंगा आपसे. सेकंड सीरीज. दिस सीरीज. है ना? ओके ओके. नालायक हूँ. हाँ सर. यस सर. सही सर. चल कॉपी करो भाई. सर एफ पार्ट से जी पार्ट जीरो आ गया था ना? क्या बोल रहे बच्चे? पार्ट एफ पार्ट से वो जी वाला क्वेश्चन जीरो आ गया ना? ओके तो वहीं से तो आया. मेरा भी पास आया. हां ठीक. देख और कैसा आया? नहीं कंफर्म करा था. अच्छा कंफर्म करा था. हां खुद ही फील आ रही है. अब एक दो महीनों में कभी लाइव लेक्चर अपन चालू कर पाएंगे शायद से. देखते हैं. Could you repeat? आवाज नहीं आई. कुछ बोल रहे थे तुम? सर वो कह रहा था ये भी तो लाइव हुआ. ये ऐसे से लाइव हुआ. लाइव मतलब ऑफलाइन. लाइव लाइव. ये लाइव. विल इट स्टार्ट? ये नहीं ऑफलाइन. ऑफलाइन देखते हैं. तो लोगों तो चालू हो गई है. जल्दी सुन चालू कर सकते हैं. सिम्टम्स लग रहे हैं कि अब थोड़ा सा ओके हो रहा है. वी कैन स्टार्ट प्रोबेबली इन द मंथ और टू. यस. क्या बात है आयुष, मेरे मुंह की लाइन छीन ली. हां जल्दी फिनिश करो. तुम में से कौन है जो चाहता है कि ऑनलाइन ही रहे? बेटर है, मजा आ रहा है. मैं कहां मैं ऑनलाइन ही रहना चाहता हूं. He will prefer कि online ही रहे. No sir. कौन? No, not at all. Sir, time बचेगा. अरे online में समझ आ रहा है, बड़ी बात है. Sir, time बचेगा और क्या traveling का? Sir, online में हम आपसे पढ़ पा रहे हैं. चेंबूर वाले को आप नहीं पढ़ाते. पढ़ने नहीं मिलेगा. क्या पता तेरे को? चेंबूर वाले को क्या पता मैं नहीं आता हूँ? तेरे को क्या पता? Sir, आप चेंबूर में तो नहीं पढ़ाते हैं. अपन तुझे कैसे पता? हाउ डू यू नो कि मैं चेंबूर में आता हूँ नहीं आता हूँ? सर आपने पहले आपने पहले बोला था. सर आप अंधेरी के ब्रांच के हैं ना? तो शायद से मैं झूठ बोल रहा था. आई डोंट नो. सेंटर वेंटर कुछ नहीं है. जहाँ पे डिमांड होती है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बच्चों को संभालना मैं आ जाता हूँ ना, ये सोच ले बस. उन सबके साथ तो शुरुआत से अटैच्ड हैं, तो कंटिन्यू करेंगे यार, कोशिश करेंगे. जहां पे आना पड़ा आ जाएंगे. थैंक यू सर. एक आध बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्रेफर करने के लिए बोल रहे हैं.
सर आपको क्या पसंद है? मुझे तो दोनों का मिक्सचर हो तो पसंद है, अब आजकल ऑनलाइन की भी आदत तो पड़ गई यार। ये काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर या डाउट्स ऑनलाइन हो क्योंकि कम बच्चे ही आते हैं, बाकी सब ऑफलाइन हो, मैं तो मेरा तो ये सजेशन हो कभी। यस सर परफेक्ट। पर आपका सजेशन बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है क्या? जब नालायक मुंह पे बोलूंगा है ना, तुम बाद में लेक्चर के बाद मुझसे गप्पे मार पाओगे, तो अलग से कनेक्शन होता है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी बात हो गई। कुछ बोल रहा था बच्चे? थोड़ा सा नीचे क्या, मैंने तो थोड़ा सा चेंज ही कर दिया, अब क्या नीचे पीछे, जल्दी देख यार। और कुछ छोड़ भी गया बच्चे तो गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, बाद में कॉपी कर लेना। मैं खुद स्क्रीनशॉट भेजूंगा, बट तू स्क्रीनशॉट ले रहा है तो कर ले। चलो न्यूटन्स लॉ, मैंने आई थिंक स्टार्ट तो करा दिया था ना। न्यूटन्स डिफरेंशियल लॉ कर रहे हैं, जिसमें एप्लीकेबिलिटी करानी है मुझे, प्रूफ मैंने करा दिया था इफ आई रिमेम्बर करेक्ट। यस सर। यस सर। अच्छा न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ होता क्या पहले वो तो रिमाइंड कराओ मुझे, क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखो बहुत बार क्या होगा, तुम्हें कितने गंदे गंदे एक्सप्रेशन में लगाना पड़ेगा, देखो आर इंटू एन माइनस वन सी आर प्लस वन। अब यहाँ पे तुम दूर दूर तक सोच नहीं पाओगे कि किस तरीके से न्यूटन्स लगेगा। चलो इसको इजी भी बना दिया मैंने, आर प्लस वन इंटू ये कर दिया, तो भी जैसे हम फॉर्मूला को रटते नहीं है, अच्छा एन होना चाहिए और आर होना चाहिए, सो फिर हम बोलेंगे रिप्लेसिंग एन विद एन माइनस वन एंड रिप्लेसिंग आर विद आर प्लस वन टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ऐसे ही करेंगे ना। यस सर। I hope you agree. It takes time and it may involve some mistake also. Sir. Yes, sir. तो अब जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनना, पहले में awkward लगेगा, दूसरे में okay लगेगा, तीसरे में प्यारा लगेगा, सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Patience रखना, yes, sir. Patience रखना थोड़ा सा। अच्छा R into NCR में मैं इस position को term को क्या बोलता हूँ? Super index, याद है? Yes, sir. इस position yes, sir. वाले को क्या बोलता हूँ? और ये दोनों में से कोई नहीं है तो इसको मैं लेट्स से मेन लाइन बोल देता हूं, मेन लाइन ऑफ द क्वेश्चन, कैन आई से मेन लाइन है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा पूरे टर्म से। यस मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेन लाइन ऑफ द क्वेश्चन बोल सकता हूं ना। यस सर। सो फॉर इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ये है ना एप्लीकेबिलिटी मतलब शॉर्टकट। तो तुम क्या करना, जब भी ये सब इंडेक्स और मेन लाइन वाला टर्म सेम हो जाए, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी मेन लाइन वाला पार्ट और सब इंडेक्स सेम हो जाए न्यूटन्स लगेगा, और लगाने के क्या करना, सुपर इंडेक्स और सब इंडेक्स को नीचे उतारना है। नीचे उतारना है मतलब मेन लाइन पे उतारना है। सुपर इंडेक्स ऊपर है इसलिए न्यूमरेटर में रहेगा, सब इंडेक्स नीचे है इसलिए डिनोमिनेटर में रहेगा। देखो कैसा आया, आर तो एज इट इज, सुपर इंडेक्स को नीचे उतारा, सब इंडेक्स को नीचे उतारा, और अब एन की जगह सुपर इंडेक्स पे उसका प्रीवियस कंसेक्यूटिव लिखोगे, सब इंडेक्स की जगह भी उसका प्रीवियस कंसेक्यूटिव लगाओगे। बताओ आ गया फॉर्मूला? यस यस सर। यस सर। चलो वापस रिपीट करते हैं, फिर नीचे बहुत सारे में लगाएंगे, मैंने बोला था तीसरे में प्यारा लगेगा, अभी ऑकवर्ड लगेगा। हाँ तो हमने क्या सोचा, अच्छा मेन लाइन और सब इंडेक्स सेम है, न्यूटन्स लगेगा, नीचे उतारो, सुपर इंडेक्स वाला न्यूमरेटर में, सब इंडेक्स वाला डिनोमिनेटर में, उसका प्रीवियस कंसेक्यूटिव, इसका भी प्रीवियस कंसेक्यूटिव, बताओ ओके? यस सर। यस सर। चलो इस वाले टर्म में आ जाऊं, r + 1 into n + 1 cr + 1 पे लगाते हैं। यस न्यूटन्स लगाएं, लग सकता है, लगेगा? यस सर। यस सर। लगेगा। तो बताओ r + 1 into क्या लिखूं? n + 1 r + 1 r + 1 into जितना n by r जितना मैं बस n + 1 की जगह क्या लिखूं?
टेन लिखेंगे आर प्लस वन की जगह आर आर बताओ हमारे पास काम बन जाएगा ना ये तो कांस्टेंट है समेशन में हेल्प करेगा यस और नो यस यस कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा ये आई होप याद है पर्पस पर्पस भी याद है ना यस सर यस सर नेक्स्ट आर प्लस वन इंटू एनसीआर न्यूटन्स लगेगा डायरेक्टली या नहीं लगेगा स्प्लिट कर सकते हैं कमॉन एग्री करो सो पहला वाला टर्म स्प्लिट हो जाएगा कितना आर इंटू एनसीआर और दूसरा वाला हो जाएगा वन इंटू एनसीआर क्वेश्चन होगा समेशन का तो समेशन हो जाएगा कमाल यस यस सर समेशन एनसीआर हो जाएगा 2 पावर एन याद आया यस सर यस सर और इसके लिए न्यूटन्स अब लगा देंगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एग्री करो जल्दी से यस सर यस सर सबको कंफर्टेबल यहां तक यस यस सर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल आर इनटू एनसीआर प्लस 1 क्या करूं आर को क्या करूं कमॉन आर को सुनो मैं कैसे समझा रहा हूं आप सुनना अगर ऐसा टर्म होता है तो या तो इस आर को आर प्लस वन बनाना है या इस आर प्लस वन को आर बनाना है तो इसको आर प्लस वन बनाना तो बहुत हेडेक का काम है इसलिए हम इसको आर बनाते हैं करेक्ट ना yes, तो वैसे ही सोचा करो नीचे भी वैसे ही सोचो इस आर प्लस वन को तो हैंडल करना डिफिकल्ट है तो इसको तो करो ही मत इस आर को फिर क्या बनाना है तो डायरेक्टली एक्सपांशन है और ये न्यूटन लग जाएगा कमॉन यस सर Yes, sir. So, last example. R plus 1, R plus 2 into NC R plus 2. Newton's lagega? Sir. Yes, sir. Newton's lagega? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Extra term hai toh tum kyun tension le rahe ho? R plus 2 toh hai na bhai, lagao. Sir, do bar lagega. Into R plus 2. Into n by r plus 2 into क्या लिखूं n minus 1 n minus 1 by r plus 1 r plus 1 सबको फील आ गया न्यूटन्स एक बार और लगेगा कम ऑन यस यस सर n into r plus 1 देखो एज इट इज लिखा अभी तक तो into n minus 1 upon r plus 1 into n minus 2 cr plus 2 करेक्ट है बच्चों यस सर आई थिंक अब तो कंफर्टेबल हो गए हो न्यूटन्स लगाने से सर आर प्लस टू के सर आर प्लस टू के सर आर आएगा ना एनसीआर आएगा हाँ है आर तो है और क्या है प्लस टू लिखा मैंने प्लस टू लिखा आपका आर प्लस टू तुम्हारे पास सबूत क्या सर रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग से वो भेजूंगा ही वो मैं भेजूंगा ही नहीं अब चल कॉपी कर अच्छा ये सारे एग्जांपल मत लिखो दो तीन काम के लिखो बस मैंने तो बहुत सारे ले लिए एक ये लिख लो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली लिखना चाहिए फिर थर्ड लिख लो और फोर्थ लिख लो बस काफी है
सर प्लीज स्क्रॉल डाउन स्क्रॉलिंग डाउन ओके कोई डाउट बच्चों यस एनी डाउट फिफ्थ वाला कॉपी करने की जरूरत नहीं है नो डाउट सर नो तो कैन अब देखें कि क्वेश्चन में कैसे यूज आएगा न्यूटन्स यस हाँ भाई और देखें कि क्योंकि मैंने हेडिंग इफ यू रिमेम्बर लिखाई थी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फिर न्यूटन्स लॉ लिखाया था यस तो अब हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें एक मेथड तो डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा मेथड न्यूटन्स होगा इसलिए हम देख रहे हैं अभी एक साथ तो 1 plus x की पावर n का एक्सपांशन फटाफट बोलो nc not nc not correct yes sir yes find 1c1 plus 2c2 कोई गधा ये तो नहीं सोच रहा है 2c2 मतलब ये 2c2 है और इसकी वैल्यू 1 है हम यस सर नो सर यस सर नो सर ऐसा है क्या है भाई नो सर ये क्या है 2 इनटू लिखा है तो समझ जाना चाहिए ये nc2 है मैं वो लिख नहीं रहा हूं ऑब्वियसली यस सर ncn ठीक है इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब सबसे पहले मैं न्यूटन से करूंगा फिर डिफरेंशिएशन से करूंगा तो न्यूटन से करने के लिए तो यार हमें आर वार से कंपेटेबल है मतलब सबसे पहले क्या लिखना चाहिए बच्चों कम ऑन जनरल टर्म वेरी गुड क्या सबको क्लियर हुआ हमें सबसे पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा तभी समेशन आएगा यस तो ये आर इक्वल टू 1 के लिए ये आर इक्वल टू 2 के लिए जल्दी से जनरल टर्म चिल्लाओ आर एनसीआर आर इक्वल टू एनसीआर के आर एनसीआर देख के दिल खुश हो गया न्यूटन लग गया यस यस सर यस आर into n by r into n minus 1 cr minus 1 limits is 1 to n r से r गया n तो क्या करें constant बाहर निकालें बाहर आ जाएगा और जल्दी से इस summation का expansion दिमाग में imagine करो और मुझे answer बोलो 2 to the power n minus 1 power n minus 1 2 to the power n minus 1 n minus 1 so बिल्कुल सही है n into 2 की power n minus 1 कोई डाउट नो सर तो सबको समझ में आ गया न्यूटन से कैसे क्वेश्चन होंगे यस हमें वो एक्सपांडेड फॉर्म में देखेगा फर्स्ट स्टेप तुम्हें जनरल टर्म लिखना है और फिर न्यूटन को लगाते जाओ कभी एक बार लगेगा कभी दो बार लगेगा कभी स्प्लिट होके लगेगा ओके दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कोई डाउट मेथड 1 में नो सर ओके मेथड 2 ध्यान से सुनो डिफरेंशिएशन में बता दूंगा इजी क्वेश्चन में इजी लगेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन में हो सकता है किसी में न्यूटन अच्छा लगे किसी में डिफरेंशिएशन अच्छा लगे बट साल बाय साल मैंने हर साल फील किया है कि डिफरेंशिएशन बच्चों को लगाने में ऑकवर्ड लगता है कि कहां से चालू करें कैसे आगे बढ़े ऑल दो एक बार स्टार्टिंग मिल जाए तो ईजी लगता है तो मेरा सजेशन है जो मैं स्टेप वाइज बोल रहा हूँ वो करना स्टेप 1 पहले एक्सपांशन लिखना बहुत बच्चे डायरेक्टली कर पाएंगे दैट्स गुड दैट इज गुड फॉर यू बट मैं हर बच्चे के लिए बता रहा हूँ ठीक है स्टेप 2 स्टेप 1 क्या बोला रिपीट करो एक्सपेंशन स्टेप 2 क्या पूछा है उसको लिखो क्या पूछा है 1c1 plus 2c2 plus 3c3 को पूछा है
स्टेप थ्री स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लो बिफोर यू डू द एक्चुअल वर्क. स्ट्रेटेजी मतलब देखो मैंने इसको सर्कल किया सी टू वाले टर्म को और यहाँ पे इसको ये बनाना है. कम ऑन एग्री करो. यस सर. फाइनल मुझे टू सी टू बनाना है स्क्वायर को. एग्री. तो हिट हो गया है कि सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे d by dx तो 2c2x आ जाएगा और फिर आराम से x को 1 रख देंगे. ये कन्वर्ट हो गया. कम ऑन एग्री करो. यस सर. यस तो क्या सबको समझ में आया मैं तीन स्टेप प्रोसेस. यस सर. यस सर. मेरी एडवाइस है कि अभी शुरुआत के दो तीन क्वेश्चन में ऐसे स्टेप वाइज ही करना, बाद में तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलेगा. तो चलो अब एक्चुअल सॉल्व करना चालू कर देना. करेक्ट और नॉट. यस सर. सो हमें इस ऑब्वियसली एक्सपांशन से चालू करना है और पहला स्टेप हमने क्या सोचा डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन n into 1 plus x की पावर n minus 1. एग्रीड. यस सर. यस सर. ओके. c नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि तुम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो बच्चों. जीरो. x क्या बोलता है भाई. डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है. x के रिस्पेक्ट. x x नॉट. करेक्ट. तो c नॉट कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों. जीरो. जीरो. देन n c 1 x में ये n c 1 तो कांस्टेंट है ना बच्चों. यस यस. तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 c 1. जल्दी से ओके करो. यस सर. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 c 2 x plus 3 c 3 x square and so on. अब स्ट्रेटेजी के हिसाब से x को 1 रखने से आंसर आ जाना चाहिए. 1 रख गया 1 c 1 plus 2 c 2 plus 3 c 3 and so on. और लेफ्ट साइड से हमारा आंसर आने वाला है n into तो भाई आया 2 की पावर n minus 1. तो बिल्कुल सेम आया क्या मेथड 1 से. यस सर. यस सर. तो तुम्हें फील आया कि ये तो ज्यादा इजी लगा न्यूटन से भी. कम ऑन. यस सर. बट वो स्ट्रेटेजी के कारण और हमेशा इतना सिंपल नहीं होगा कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो x को 1. कभी कभार होगा x से मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंशिएट करो. कभी कभार होगा डिफरेंशिएट के बाद x से मल्टीप्लाई करो फिर x की कुछ वैल्यू रखो. तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. यस. तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली मत करो, पहले स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेना. क्लियर. यस यस सर. चलो पूरा आराम से कॉपी करो एंड थिंक अबाउट इट. यस. किसी को डाउट अब कोई भी मेथड में. नो सर. क्वेश्चन करेंगे तब फील आएगी बट बेसिक्स क्लियर.
Can I turn the page, everyone? Yes, sir. So just a moment. Mm-hmm. Done. Last time कोई doubt यहाँ था? चलो फिर question ही करो. No, okay, okay. So if 1 plus x की power n is same expansion, find c naught plus 2c1 plus 3c2 plus so on. करो ये. दोनों मेथड्स है, बोथ मेथड्स. सबसे पहले कौन सा करेंगे? न्यूटन. हाँ भाई, पॉपुलर डिमांड सुन ली, न्यूटन से करो. ओके, जनरल टर्म तो आई होप उल्लू नहीं बने, सामने दे रखा है. यस, सबको पता चला. यस सर. यस सर, ये जनरल टर्म तो दे रखा है. आर प्लस वन इनटू एनसीआर, आर इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एन. जल्दी फिनिश करो, आंसर आ जाए तो चैट पे लिख देना. I hope you all of you remember split करने से handle हो जाएगा. जब split करो तब summation को भी split करो. बिल्कुल सही कुशल. When I split it, split the summation also. एक स्टेप मैं भी कर रहा हूं. स्प्लिट किया आर इंटू एनसीआर प्लस वन इंटू एनसीआर. जल्दी से हैंडल करो. और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कभी ऐसा टर्म आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या रखोगे? जीरो. 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 यस सर. न्यूटन्स लगाया पहले मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ. लिख देता हूँ यार, कोई बंदा पूछेगा. अच्छा, दूसरे वाले का आंसर बता दो यार. कम ऑन, कितना तो? 2 to the power n. 2 to power n. जल्दी से आगे बढ़ो वैष्णव. आर के टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता. n कांस्टेंट बार आ गया. समेशन n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस 2 की पावर n. इसका आंसर जल्दी से लिखो. 07 है, सॉरी. टू टू द पावर एन माइनस वन. वेरी गुड. एन इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n. बट ऑप्शंस में ऑब्वियसली कॉमन लेके छोड़ा होगा. इन दोनों में जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 में कॉमन क्या होता है? 2 की पावर 4 ना. यस यस. तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर n माइनस 1. पहले में n बचा है और दूसरे में क्या बचेगा? प्लस टू. प्लस टू.
So this is the final answer. Get the same answer from differentiation. Come on. Or directly करेंगे या strategy बनाएंगे? Come on. Strategy. आप directly भी कर सकते हो strategy. Directly strategy क्या? C को पकड़ लिया करो बस. C to x square को क्या बनाना चाहते हैं भाई हम? 3C. बनाओ. ध्यान रखा करो कि मेथड मत बोला करो अंदर से, यू नहीं अंदर से फीलिंग भी आ रही है बोलने की तो दबा के रखो, जब पूछे तब बोलो. ओके सबने सुना है, नहीं सुना तो अच्छी बात है, तो फिर सोच लिया होगा. क्या करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें क्या? नो सर मल्टीप्लाई, क्योंकि उससे तो 2c2x आ जाएगा, तो ऑब्वियसली हिट होना चाहिए तुम्हें कि मल्टीप्लाई करना है x से पहले ताकि c2x³ बने, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 3c2 × x² बनेगा, और फिर फाइनली x को क्या रख देंगे? 1. जल्दी से करो फिर एंड गेट द सेम आंसर. और डिफरेंशिएशन का यूवी रूल आता है ना? यस. हाँ भाई, आर वी डन? सब इज वेल. जल्दी करो जल्दी करो. डन सर. गुड. Last 30 seconds. Yes, sir. Okay, चलो मैं निपटा रहा हूँ. ऑब्वियसली स्टार्टिंग किससे करनी है? वही एक्सपांशन से. और राइट साइड तो हमें, चलो राइट साइड लिख लेता हूँ बस, तो स्मार्ट बच्चा समझ गया होगा कि आंसर तो लेफ्ट साइड से आने वाला है. या सो सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया भाई सी नॉट एक्स. नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, तो राइट साइड का तो कर दिया भाई, और लेफ्ट साइड के डिफरेंशिएशन में यूवी रूल लगाऊंगा भाई. तो एक्स कांस्टेंट दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन. अब क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में एक्स को क्या रखना है बच्चों? वन. तो राइट साइड तो जो हम चाहते हैं वो बना दिया, और आंसर लेफ्ट साइड से आएगा एक्स को वन रखने से. एन को कुछ मत करना, सिर्फ एक्स को वन रखना है. एन इंटू 2n-1 प्लस 2n, इसमें से वही 2n-1 कॉमन ले लोगे तो n प्लस 2 आंसर आ गया. एवरीवन ओके कंफर्टेबल? यस सर. कोई डाउट? नो सर. हेलो सर. हाँ बच्चे. सर पहले वाले जो न्यूटन हमने यूज किया था सर, उसमें हम लिमिट्स n is equal to 1 और n भी ले सकते थे ना, r plus 1 नहीं लेके हम r ले सकते थे. बिल्कुल, उससे भी आंसर आ जाता, r into n c r minus 1 भी करता तो भी आंसर आ जाता. ठीक है. यस सर. ये लेता तो भी आंसर आ जाता.
बट मैंने पहले भी कल लास्ट क्लास में बताया था कि मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, जब तक हो सके मैं एनसीआर प्रेफर करता हूँ। कोई और डाउट किसी को? तो इसके अभी और क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना है, थोड़े टफ वाले भी करना है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट बेसिक में भी लेवल बढ़ाना है। बट मैं अब टाइम कम बचा है तो मैं न्यूटन्स इंटीग्रल समझाऊंगा, फिर तुम प्रैक्टिस शीट करके आओगे और फिर मुझे जो फील होगा उसके हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर? यस सर। यस सर। मैंने बेसिक करा दिया, अब तुम्हें न्यूटन डिफरेंशियल बेसिक्स आ गए, प्रैक्टिस शीट में इजी मीडियम सब क्वेश्चंस करोगे और फिर हैंडल करेंगे हम। न्यूटन्स इंटीग्रल, इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ना। यस सर। यस सर। तो न्यूटन्स का ये इंटीग्रल फार्मूला भी बस इंटीग्रल फार्मूला भी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से ही आया है। तो मुझे बताओ आर प्लस वन इंटू एन प्लस वन सी आर प्लस वन में न्यूटन्स डिफरेंशियल लग जाएगा ना? यस सर। यस सर। न्यूटन्स डिफरेंशियल लगाओ, बताओ क्या आएगा? एन प्लस वन इंटू एन सी आर, आर प्लस वन तो उड़ गया। यस सर। अब मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ ना? यस सर। हाँ सर। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूँ, आर प्लस वन को राइट साइड में ले जाता हूँ, एन प्लस वन को लेफ्ट साइड में लाता हूँ, एन प्लस वन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन हो जाएगा और राइट साइड में हो जाएगा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। करेक्ट? यस सर। अब राइट वाले पार्ट को बस लेफ्ट में लिख रहा हूँ, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। This is Newton's integral formula actually. इसका purpose क्या है, इसका use क्या है, इसका proof क्या है, सब देखेंगे. But this is the formula. तो चलो अब इसका purpose देखते हैं पहले. Purpose of Newton's की कब use आएगा? तुम सबको याद है Newton's differential ऐसे question में use आता था? बताओ. क्योंकि हम yes, R को sir. solution के yes. एक मिनट मुझे बोलने दे. हम R को समेशन के बाहर नहीं निकाल पाते थे इसलिए न्यूटन्स डिफरेंशियल लगाते थे। एग्री करो? यस सर। तो अब से क्वेश्चन ऐसा आ गया तो भी R प्लस वन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। यस सर। तो फिर कौन लगाएंगे? तो फिर किसका यूज आएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो NCR upon R plus 1 की वैल्यू लिखूंगा मैं, N plus 1 CR plus 1 upon N plus 1, N plus 1 बोलेगा हैप्पी बर्थडे, मैं बाहर आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। एग्रीड? यस सर। यस सर। वैष्णव, तेरा बहुत लैग होके आवाज आ रही है तो एक बार थोड़ा सा रुक जा। बट क्या सबको पर्पस क्लियर है और प्रूफ तो क्लियर है क्योंकि प्रूफ तो हो गया? कम ऑन, एग्री करो? यस सर। यस सर। तो अब बताओ क्या सीखना बाकी है? Application of integral formula. Application. याद है मैंने न्यूटन डिफरेंशियल के लिए शॉर्टकट बताया था ना, कैसे फटाफट लगाना है? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही अब मैं इंटीग्रल के लिए बताऊंगा, बट पहले यहाँ तो कॉपी कर लो, यहाँ तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर कब से? सर नेक्स्ट लेक्चर नहीं है। नहीं है? और फिर तो आजादी है तुम्हारी। आजादी थोड़ी लेट मिलेगी। नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सर, प्लीज। एमटी के लिए टाइम दिया है। एमटी होते रहेंगे। अरे सर नहीं, स्कूल का भी है। स्कूल तो बहुत बाद में होता रहेगा ना।
सर एक साल में कितने सर अभी आने वाला एग्जाम अच्छा चलो हो गया कॉपी यहाँ तक सर एक साल में कितने एमटी होते हैं तुम्हारे का कोई साल वाल थे ना तुम्हारा कोर्स खत्म होगा तब तक छह सात एमटी होंगे छह ओके आई होप हो गया अभी तक देखो मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं एप्लीकेबिलिटी फिर एक क्वेश्चन करेंगे फिर मैं स्टॉप करूंगा शायद एन प्लस वन सी आर क्या था नहीं एन सी आर अपॉन आर प्लस वन यही था यस सर तो वापस आई होप तुम्हें याद है सुपर इंडेक्स सब इंडेक्स है ना और कम ऑन ये भी गेस करो कि ये है न्यूटन डिफरेंशियल का उल्टा रिवर्स करेक्ट ना यस सर तो न्यूटन डिफरेंशियल में क्या करते हो तुम सुपर इंडेक्स को नीचे उतारते हो और सब इंडेक्स को नीचे उतारते हो और फिर सुपर इंडेक्स का प्रीवियस कंसेक्यूटिव लिखते हो देखो यही करते हो यस सर तो इसके जो रिवर्स काम करना होगा उसी को तो न्यूटन इंटीग्रल बोलेंगे मतलब जो n नीचे उतरा हुआ है उसको वापस ऊपर चढ़ाना है कमॉन ऐसे सोचो कमॉन यस सर n और n माइनस वन कंबाइन हो जाएगा ना यस सर r और r माइनस वन कंबाइन हो जाएगा क्योंकि कंसेक्यूटिव है क्योंकि कंसेक्यूटिव है यस सर और जो ये मैंने सर्कल किया है वो कंबाइन होके एन सी आर हो गया और आर आर तो पड़ा हुआ है हमारे कुछ काम का नहीं कमॉन इस तरीके से सोचो यस सर तो चलो यहाँ पे करते हैं तो अब यस यस भी बोलना मत बंद कर और मेरे साथ बस फटाफट देखते जाओ ना एन सी आर और आर प्लस वन है तो कैन आई से सब इंडेक्स का कंसेक्यूटिव प्रेजेंट है बट सुपर इंडेक्स का कंसेक्यूटिव प्रेजेंट नहीं है यस विथ मी यस सर यस सर तो फिर वैष्णव नालायक तेरा बहुत लेट आता है यस जल्दी बोला गया तो इसलिए सुपर इंडेक्स का कंसेक्यूटिव हमें क्रिएट करना पड़ेगा कैसे क्रिएट करेंगे सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इनटू ncr यहां तक ओके यस सर अब तो बुलंद आवाज में तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए रेडी है सब कंबाइन होने के लिए यस सर और जो मैंने ये रेड वाला टर्म लिखा है वो रेड वाला टर्म कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से n प्लस 1 c r प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 और रेड वाला टर्म हो गया n प्लस 1 c r प्लस 1 यही देखो न्यूटन इंटीग्रल फॉर्मूला है कम ऑन यस सर यस चेक कर लो तो कम ऑन एप्लीकेबिलिटी सीख गए ना यस सर सुनो न्यूटन डिफरेंशियल लगाने के लिए ये और ये सेम होने चाहिए करेक्ट यस यस सर न्यूटन इंटीग्रल लगाने के लिए कंसेक्यूटिव होने चाहिए कम ऑन एग्री करो यस तो चलो आ जाओ मेरे साथ n प्लस 1 c r प्लस 1 अपॉन r प्लस 2 इंटीग्रल लग जाएगा ना यस सर बस क्या क्रिएट करना है लग जाएगा सर बाय n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 2 अपॉन r प्लस 2 इनटू n प्लस 1 c r प्लस 1 कंबाइन करके बोल दो भाई जल्दी से n प्लस 2 c r प्लस 2 बिल्कुल ओके एप्लीकेबिलिटी बच्चों यस सर कॉपी करो इतने अच्छे से तो शॉर्टकट से पता है जिस तरीके से अप्लाई करता है वो ध्यान रखोगे तो कभी स्ट्रगल नहीं करोगे कमॉन
copied? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? ओके, एक क्वेश्चन करेंगे ताकि समझ में आए कि न्यूटन इंटीग्रल लगेगा कैसे. इफ वन प्लस एक्स की पावर एन इज सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी नॉट बाय वन प्लस सी वन बाय टू प्लस सी टू बाय थ्री. कम ऑन, स्माइल आ जानी चाहिए कि यस एक मेथड तो सर इंटीग्रेशन होगा. एग्री करो? यस सर. बट पहले मैं कौन सा लगाऊंगा? न्यूटन्स इंटीग्रल. न्यूटन्स. ओके, पहले हम न्यूटन्स लगाएंगे. तो न्यूटन्स लगाने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा? कम ऑन फास्ट. सर जनरल. जनरल आर इक्वल टू 0 के लिए है, आर इक्वल टू 1 के लिए है. जल्दी से जनरल टर्म बोलो. एनसीआर. एनसीआर बाय आर बाय आर प्लस 1. कंफर्टेबल एवरीवन? यस सर. यस. ये कंसेक्यूटिव है, न्यूटन्स लग जाएगा ना? यस यस सर. तो 1 अपॉन n प्लस 1 से डिवाइड किया, r इक्वल टू 0 से n, n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इनटू ncr. तो अब कंबाइन हो जाएंगे ये, और 1 अपॉन n प्लस 1 इनटू समेशन n प्लस 1 cr प्लस 1 हो गया. कम ऑन, ये सुनो. यस सर. यस सर. अब देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं, वो ध्यान से देखना. नोट: इन न्यूटन्स इंटीग्रल Always be careful while writing down expansion answer, as expansion answer as limits will always be improper. Limits will always be improper. Limits हमेशा गड़बड़ी होगी. क्यों? क्योंकि तुमने न्यूटन इंटीग्रल लगाया है, उससे r r plus 1 हो गया. तो कम ऑन, किसने समझा इसकी बात? इसका आंसर लिखने में मैं बोल रहा हूँ केयरफुल रहना. कौन बताएगा क्यों? अगर गलती नहीं दिख रही तो समेशन को, अब चुप, टाइम निकल गया. गलती नहीं दिख रही तो समेशन को एक्सपांड तो करो, समझ में आ जाएगा. चलो, आर को जीरो बोलो. कितना है? प्लस वन एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन सी टू. एन आर को एन रखने से कहां तक जा रहा है? आर प्लस वन. एन प्लस वन. तो कम ऑन, सीरीज काफी फैमिलियर है. बिल्कुल आंसर इसका हमें आता है, बट फर्स्ट स्टार्टिंग टर्म इम्प्रॉपर है ना? यस सर. यस सर. से शुरू नहीं हो रहा है. हाँ, तो ये हमेशा गड़बड़ होगी. डिफरेंशियल में गड़बड़ नहीं होती है, वहां गड़बड़ और नेगेटिव साइड पे आ जाती है. याद है? तो यहाँ पे जब भी गड़बड़ होगी तो हमें हैंडल करनी पड़ेगी. कैसे हैंडल करेंगे? बाय एडिंग एन सबट्रैक्टिंग. तो बस सिंपल ऐड करना पड़ेगा. वो लिख के करो या दिमाग में करो, वो तुम्हारा टैलेंट है भाई. तो शुरुआत में भले ऐसा लिख के मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लिया, बाद में तुम यहाँ से डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे. दैट डिपेंड्स अपॉन योर ब्रेन. एग्रीड? यस सर. इसका कितना आंसर है? 2 टू द पावर n प्लस 1. 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 इसके कारण. क्लियर है एवरीवन? यस सर. यस सर. यस सर. अभी ये कॉपी नहीं करना, कॉपी घर पे ही करना. अब मैं मेथड 2 कर रहा हूं. यहां तक ओके? मेथड 1 में बच्चों? यस सर. यस सर. सिंपल न्यूटन्स इंटीग्रल लगाया, लिमिट गड़बड़ होती है तो c0 वाला टर्म सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, स्ट्रेटजी c2x2 को c2/3 बनाना है. यही है ना स्ट्रेटजी? यस. डिफरेंशिएशन में हमेशा ऐसा कर सकते हो कि डिफरेंशिएट कर दो और फिर बाद में एक्स रखो. इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. यू नो दिस? यस सर. तो ऑब्वियसली हम इनडेफिनेट तो करेंगे नहीं, प्लस सी लग के कौन झंडे गाड़ेगा. ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है. डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट साथ में ही रखनी पड़ती है. यस सर. सो अब मैं तुमसे निकलवाना चाहता हूं आंसर कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि तुम सबको पता है ए और बी ऐसे लगता है
और मुझे C2 into 1 by 3 चाहिए, तो come on, B तो सबको हिट हो गया होगा, 1 होना चाहिए, come on. Yes, sir. Yes, sir. और A का involvement नहीं होना चाहिए, इसलिए A को 0 रख देंगे, come on. Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको हिट हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए इंटीग्रेशन ज्यादातर 0 टू 1 या 0 टू माइनस 1 ऐसा ही कुछ होगा. क्या ये सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. 0 टू 1 करूंगा और आंसर ये आ जाएगा. बताओ एवरीवन ओके? यस सर. यस. तो चलो करते हैं, इससे भी आंसर आते हैं. 1 प्लस x की पावर n इज c0 प्लस c1x प्लस c2x2 एंड सो ऑन. इसमें डायरेक्टली पहला स्टेप है कि इंटीग्रेशन कर दो भाई 0 टू 1 पूरे इक्वेशन को. तो राइट साइड का इंटीग्रेशन पहले कर C0 into x 0 to 1, C1 into x square by 2 0 to 1 and so on. तो ये सबको पहला वाला टर्म दिख रहा है, C0 by 1 हो जाएगा एक तरीके से, come on. Yes. दूसरा वाला टर्म x1 रखूंगा तो C1 by 2 हो जाएगा. अच्छा यही तो हमें चाहिए भाई. और लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन 1 plus x की पावर n plus 1 upon n plus 1 लिमिट 0 to 1, करेक्ट? Yes sir. तो आई तुमने फिजिक्स वालों ने आता है n plus 1 को कांस्टेंट है तो करो फिर x को 1 डालो 1 plus 1 की पावर n plus 1 0 को देख के डिस्कार्ड मत कर देना 0 भी इन्वॉल्व होगा माइनस 1 plus 0 raised to power n plus 1 साउंड्स गुड यस सर यस तो 1 plus 1 का आंसर आ गया 2 की पावर n plus 1 1 plus 0 is minus 1 divided by n plus 1 same answer Yes, sir. Integration वाला method भी okay है बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखो problem क्या है कि integration तुम्हें ज़्यादा आता नहीं. Integration by substitution पक्का तुम्हें आधा अधूरा आता होगा. तो इसलिए Newton's integral के question तुम ज़्यादातर Newton से ही करोगे. Integration तुम्हारे बस की बात नहीं अभी. थोड़ा बहुत कर लोगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इंटीग्रेशन में कभी ऐसा आ जाएगा तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी जो तुम में से आधे बच्चे ही कंफर्टेबल होंगे. कभी कर और ऐसा आ गया तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन भी झंडे गाड़ दोगे. फिर तो बहुत यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा जो तुम्हें आता भी नहीं है बाय पार्ट्स. तो इसलिए इंटीग्रेशन की अपनी लिमिटेशन है तुम्हारे लिए. अभी इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स डाउन द लाइन तब कंफर्टेबल हो जाएंगे इंटीग्रेशन वाला मेथड. बट अभी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बट वो न्यूटन से होंगे. क्लियर? यस सर. यस सर. तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह करोगे फिर मैं कुछ क्लास होमवर्क दूंगा और प्रैक्टिस शीट भी दूंगा. सब करना है, सुन लिया सबने? यस सर. यस सर. जो भी करना होगा वो क्लियरली मैं लास्ट पेज पे लिख दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. व्हाइल आई व्हेन आई सेंड यू द नोट्स यू विल सी दैट ऑन द लास्ट पेज. ओके सर. यस सर. ओके. एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ एमटी के लिए, सुन लो जल्दी जल्दीबाजी मत करो. एमटी के लिए लास्ट चीज ये बोल रहा हूँ कि हमारे हो सकता है नेक्स्ट वीक दो लेक्चर लगे. तो एक लेक्चर में तो मैं बीटी पढ़ाऊंगा उसके साथ डाउट्स भी देखूंगा बुकलेट के प्रैक्टिस शीट के और एक लेक्चर में रिविजन कराऊंगा. क्लियर एवरीवन? ओके. यस सर. अरे तुम्हारे लिए ही करा रहा हूँ, बढ़िया रहेगा. ओके सर. रिवीजन में सीरीज का ना रिवीजन इट विल इंक्लूड व्हाट ऑल थिंग्स मैंने अभी बोला तुम्हें बोलने के लिए. सॉरी सर. तो रिवीजन मतलब तुम्हारे सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक्स आ रहे हैं देखो. ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस एसएनएस स्ट्रेट लाइंस एंड बीटी. तो तुम सब ने फोकस किया होगा मैंने एसएनएस स्ट्रेट लाइंस बीटी को अलग-अलग लिखा है. क्वाड्रेटिक को तो इनइक्वेशन के साथ ही लिख दिया. क्यों लिखा सर? क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा हाई इन्हीं का रहेगा. करेक्ट? यस सर. यस सर. बहुत ज्यादा रीजन है क्योंकि करंट चैप्टर्स हैं और उसके अलावा जेई में इंपॉर्टेंट है. ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 क्वाड्रेटिक ये सब डायरेक्टली जेई के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता. आते हैं क्वेश्चन एक आधा आते हैं. एसएनएस से 100% आएगा ही आएगा. स्ट्रेट लाइन से 100% आएगा. बीटी से 100% आएगा. सो दीस चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर जेई एज वेल एज करंट चैप्टर्स. तो वेटेज इन्हीं का हाई रहेगा. मान लो 60-70% तो यही रहेंगे. 40% ये रहेंगे मान लो 30-40%. तो तुम्हें भी रिवीजन उसी तरह से हैंडल करना चाहिए कि ये चैप्टर तो सॉलिड होने चाहिए फिर इनके पुराने पाप को धोने का ट्राई करना. समझ गए? यस सर. तो अगर एसएनएस का तुम्हें रिवीजन करना है तो मेरा सजेशन क्या है कि
कि सबसे पहले तो नोट्स रिवाइज करो, लिख के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करो, 4 hours नोट्स रिवाइज करने हैं, वो भी एक साथ नहीं, 2+2 2+2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 घंटे एक साथ पढ़ोगे तो तीसरे से चौथे घंटे में तो रायता ही पिलाते हो, बस हमें करने के लिए करते हो, यस और नो? बराबर है, यस सर, समझता हो ना तुम्हारी फीलिंग? यस सर, क्योंकि 4 घंटे एक साथ मोनोटोनस हो जाता है ऑब्वियसली, फिर लास्ट में तो बस खत्म करने के लिए करते हो, तो 2 घंटे नोट्स पढ़ना, उसके बाद बुकलेट के जो मार्क क्वेश्चन तुमने मार्क कुछ तो करेंगे, अब नहीं करे तो तुम्हारे पास है भाई, जो जो अच्छे मार्क करें बुकलेट के प्रैक्टिस शीट के वो करना, वो हो जाए फिर वापस 2 घंटे नोट्स रिवाइज करना, ऑब्वियसली वो किसी और दिन होगा, तो ये 2 प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए बिफोर माय लेक्चर रिवीजन, सुना सर तुमने? यस सर, यस, इतना भी हो जाए तो अच्छा है, कि कोई एक्स्ट्रा शीट या कोई अच्छी बुक से क्वेश्चन, कम से कम 50-60 क्वेश्चन करोगे तब जाके एक चैप्टर रिवाइज होता है, ये 3 स्टेप के बाद, सबने सुना? यस सर, यस सर, कुछ शीट कुछ मैं भेजने की कोशिश करूंगा पुराने चैप्टर्स की, अगर तुम्हें पास शीट नहीं भेज पाऊं तो कोई बुक तो तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए, सिंगेज है, अरियंत है, कोई भी यूज कर सकते हो टू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो ये सबसे पहले तुम्हें रिवीजन करना चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस और बीटी तो सॉलिड चलना ही चाहिए, वो तो करंट चैप्टर है, समझ गए ना? यस सर, फिर एसएनएस का रिवाइज करो, स्ट्रेट लाइन थोड़ा भूल गए तो उसको रिवाइज करो, फिर इन में झंडे गाड़, सुन लिया? यस सर, यस सर, एंड मेरे रिवीजन लेक्चर से पहले कम से कम एसएनएस स्ट्रेट लाइंस बीटी तो रिवाइज हो जाना चाहिए, समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर, yes I answered most of your question which you might have, lecture is over, you can go, jisko kuch baat karni hai ruk sakta hai, bye sir, thank you, thank you sir, bye sir, thank you, bye bye.